हे गाइस, वेलकम बैक टू इंशा स्टडी सेंटर। गाइस, ये आपकी फिजिक्स की हिंदी मीडियम प्रैक्टिकल फाइल है। कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम में चाहिए थी तो प्रिपेयर हो गई। इसको प्रिपेयर करने में टाइम लग गया। अब आप यहाँ से बना सकते हैं। ये देखिए, आपका इंडेक्स है। टेन प्रैक्टिकल्स हैं इसमें, चाहे तो एक स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज लिख ही लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसमें से ही कुछ प्रैक्टिकल्स आप अपने प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, प्रयोग वन, किसी और सब्जेक्ट की आपकी प्रैक्टिकल फाइल रह गई हो तो हमारे चैनल पे पोस्ट है। अभी थोड़ी थोड़ी टाइम में मैं केमिस्ट्री की भी पोस्ट कर दूँगी, हिंदी मीडियम। बाकी इंग्लिश मीडियम सारे सब्जेक्ट्स की ऑलरेडी है वहाँ पर। और आपका 12th क्लास का इंग्लिश का पूरा सिलेबस की एक वीडियो डाली हुई है मैंने, 40 मिनट्स की है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा आप, आपके बहुत काम आएगी वो। उससे आपको पता लग जाएगा आपके पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। जो एक्स्ट्रा था वो ऑलरेडी हटा दिया हमने फाइल से, ठीक है। ये क्वेश्चंस लिखने हैं जो रेड पेंसिल रेड इंक से लिखे हुए हैं, वो क्वेश्चंस हैं आपके, और बाकी के जो नीचे लिखे हुए हैं वो आंसर्स हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको लिखना है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। गाइज, आपकी जो भी प्रैक्टिकल डेट होगी आपके हॉल टिकट में, उससे पहले जाना है आपको, 1-2 दिन पहले जाकर पूछ लीजिएगा कि आपको एग्जैक्ट किस डे जाना है। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स छूट गए क्योंकि उनको लग रहा था कि वो किसी भी दिन, जैसे 21 से 26 लिखा हुआ है, 21 से 26 के बीच होगा, तो वो सोच रहे थे कि वो किसी भी दिन जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग डे डिसाइड करेंगे कि आपको किस दिन बुलाएंगे, कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक के इस दिन लेने हैं, उसके आगे के नेक्स्ट डे। तो आप जाकर एक बार पूछ लीजिएगा। और आपको कोई डाउट हो कि प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होता है, तो आप हमारी प्रैक्टिकल क्वायरीज वाली एक वीडियो है, वो ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको अपना आईडी कार्ड लेकर जाना होता है, एनआईएस वाला, कोई भी ऐसा प्रूफ लेकर जाना होता है जिसमें एड्रेस हो, जिसके आपको इंडियन हो वो दिखा दे, ठीक है। जैसे आधार कार्ड हो गया या कुछ भी लेकर जा सकते हो आप।
अपना हॉल टिकट निकलवा लीजिएगा, साथ में ले जाइएगा। और बाकी बेसिक चीज़ें तो जो आपकी यूज़ की होती हैं वो तो जानी ही है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो कि प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होता है, वाइवा में क्या पूछते हैं, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस कैसे देंगे, तो उसके लिए आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा प्रैक्टिकल क्वेरीज वाली, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। इसमें से ही जो आप प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करेंगे, इसमें से ही कुछ क्वेश्चंस आपको अपने प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर करना है। और मैंने आपके क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके डाले हुए, कोशिश करूँगी जल्दी हिंदी मीडियम में भी डाल दूँ, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इंग्लिश तो सबकी सेम होती है, हिंदी भी सेम होगी तो उसमें इंग्लिश और हिंदी का कुछ वो नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वहाँ से आप देख लीजिएगा वीडियोज़ डाली हुई हैं मैंने, अदर प्रैक्टिकल फाइल्स की भी हैं वहाँ पर आपके सपोर्ट के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी वहाँ पे बहुत सी वीडियो हैं। सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स डाले हुए हैं मैंने वहाँ पर, आपके पास अगर टाइम नहीं है प्रिपरेशन का तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके उनको प्रिपेयर कर लीजिए, आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैं जल्दी ही हिंदी मीडियम में भी डाल दूँगी, फ़िलहाल आप अपने प्रैक्टिकल्स पर फोकस कीजिए और आप सपोर्टिंग मटेरियल वहाँ से ले लीजिएगा हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। प्रयोग 3, गाइस अभी प्रैक्टिकल्स आप लिखेंगे तो थोड़ा इसका प्रोसीजर ध्यान से लिखिएगा ताकि आपके माइंड में थोड़ा सेट हो जाए और आपको प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है इंशा स्टडी सेंटर नाम से, वहाँ पर आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ कमेंट भी कर सकते हैं आप। और जल्दी ही हम मॉडल पेपर्स को भी सॉल्व करके पोस्ट करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपके अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं इसको बहुत स्लोली स्लाइड कर रही हूँ ताकि किसी भी वजह से ये ब्लर ना हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो आप वीडियो से ही लिख सकते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेकर लिखेंगे तो मे बी आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसलिए आप वीडियो से ही बना लीजिएगा इसको, क्योंकि हिंदी मीडियम में तो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग लग रही होगी, इंग्लिश में वर्ड्स थोड़े छोटे पड़ जाती है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है इसमें, आपको एज इट इज़ ही लिखनी है। आप जब अपना एक काम कीजिएगा, जब आप अपना फ्रंट पेज बनाएंगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो डिटेल्स लिखी थी वो सारी डिटेल्स आपके फ्रंट पेज पे ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि आपकी
फाइल मिस ना हो और आपके मार्क्स ना कट जाए, कई बार फुल डिटेल्स ना होने की वजह से भी आपके मार्क्स कट जाते हैं, या फिर आप में भी ये हो जाए कि आपने फाइल सबमिट ही ना करी हो, तो आप वहाँ पे डिटेल्स ज़रूर लिख दीजिएगा। मैंने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके डाल दिया है, जैसा आपका पैटर्न आएगा आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 70% बर्डन कम हो जाएगा, आपको बस 30% मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और मैं सेम उसी मेथड से हिंदी का भी क्वेश्चन पेपर जल्दी ही एनालाइज करके डाल दूँगी, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं तो अभी प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करने में लगे हुए थे हम लोग। आपको इस फाइल में कुछ भी एडिशन या कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम परफेक्टली बना दी है, आपको सिर्फ यहाँ से देखकर नोट कर देना है अपनी फाइल में। आप फाइल या तो पेजेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है प्रैक्टिकल नोटबुक उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन फाइल को बाहर से अच्छा सा डेकोरेट कर लीजिएगा थोड़ा। डायग्राम्स सारे बनाने हैं आपको, ब्लैंक साइड पे बना दीजिएगा सारे डायग्राम्स। ये देखिए आपको लिखना है, या फिर देखिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करा है तो आपको ये गणना लिखने की ज़रूरत नहीं है। और या फिर आप लिख ही लीजिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए टिप्पणी, ये आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स। आपको इस फाइल में से ना ही कुछ कट करना है ना ही ऐड करना है, प्रैक्टिकल 6।
आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स लिखने हैं। चाहे तो अगर आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, आपने प्रिपेयर भी नहीं कर पाया है, तब आप एक प्रैक्टिकल कम कर सकते हैं, लेकिन जितने भी प्रैक्टिकल लिखेंगे वो पूरे पूरे लिखेंगे, कुछ भी उसमें से कट नहीं करेंगे। और सारे डायग्राम्स आपको पेंसिल पे बनाने हैं प्लेन साइड पे। ठीक है, डायग्राम्स आपको खुद बनाने हैं, कहीं से कलेक्ट करके पेस्ट नहीं करने। ये बनाने हैं आपको। गाइस कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो आपसे। प्रैक्टिकल की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, क्वेश्चन पेपर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल काफ़ी लॉन्ग है, उसको प्रिपेयर करने में भी टाइम लगेगा, तो अपने टाइम को थोड़ा बचा कर चलिएगा, थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा। प्रैक्टिकल फाइल जल्दी से प्रिपेयर करके अपने प्रैक्टिकल्स के लिए प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, रिटन प्रैक्टिकल के लिए प्रयोग 7 उद्देश्य। बनाना है आपको पेंसिल से प्लेन साइड पर बना देंगे आप। हेडिंग्स का ध्यान रखिएगा, जो डार्क ब्लैक हो रखा है वो आपकी हेडिंग्स हैं, वो आपको ब्लैक से लिखना है और बाकी आपको ब्लू से लिखना है सब। देखिए जो ऐसे लिखा हुआ है वन बाय यू, तो आपको वन अपॉन में यू ऐसे करके लिख देंगे आप उसको। ऐसे वन बाय वी लिखा है तो वन अपॉन में वी करके लिख देंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चंस हैं, वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो या कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें।
प्रियो घाट ठीक है, उद्देश्य ये जो आपका फॉर्मूला है ये शायद गलती से नीचे आ गया, तो आपको इस फॉर्मूले को उद्देश्य में लिखना है ठीक है। और ये जो आवश्यक सामग्री आपकी आवश्यक सामग्री डालकर आप यहाँ से सब लिख देंगे। गाइस वर्कलोड ज़्यादा है इस टाइम, तो रीचेक करने का टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं वीडियो में ही बता देती हूँ अगर कोई गलती होती है तो आप इसकी बिल्कुल टेंशन लें कि यहाँ से गलत गाइडेंस मिलेगी आपको या फिर आपका कुछ नुकसान नहीं होने देंगे हम, क्योंकि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिकल फाइल्स सॉल्व करना, देन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। देख लीजिए डायग्राम, ठीक है। ये आपका लास्ट एक्सपेरिमेंट है 10th, आप चाहे तो 9 लिख सकते हैं, अदरवाइज पूरे 10 लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम की शॉर्टेज होगी, एकदम लास्ट टाइम पे पोस्ट कर रही हूँ मैं, और हिंदी में कुछ ज़्यादा लॉन्ग भी हो जाता है लिखने के लिए, तो आप चाहे तो सिर्फ 9 लिख सकते हैं, अदरवाइज आप 10 लिख लीजिएगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अगर 10 लिखेंगे या फिर 9 लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये जो भी ऐड करा है, जो भी पेजेस वगैरह ऐड किए हुए हैं यहाँ पे, वो सब लिखना है आपको। वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा,
ख़त्म हो गया गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी सपोर्टिंग मटेरियल डालूँगी आपकी थ्योरी एग्जाम्स के लिए, और आप इंग्लिश की पूरा कंटेंट वाली वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।